हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखो, एनिमल टैक्सोनॉमी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिलेंट्रेटा फाइलम। क्लियर है? सिलेंट्रेटा फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एग्जांपल, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे उससे आगे का नेक्स्ट फाइलम, जिसे टीनोफोरा फाइलम के नाम से जाना जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा जो फाइलम है ना, पहली बात, ये एक माइनर फाइला है। ठीक है? रीजन कि ये सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है। क्लियर है? सबसे छोटा फाइलम है, इसलिए हम लोग इसे माइनर फाइलम कहते हैं। समझ गए? नेक्स्ट कि इस फाइलम के मेंबर्स ऑफ टीनोफोरा, इन्हें स्पेशल टर्म दी गई है। इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज की जाती है, जो है सी वॉलनट। टीनोफोरा फाइलम के मेंबर्स को सी वॉलनट भी कहा जाता है। क्लियर है? जैसे सिलेंट्रेट्स को सी स्टिक कहा था, इसी तरह टीनोफोरन्स को सी वॉलनट कहा जाएगा। और एक स्पेशल टर्म यूज होती है इनके लिए, इन्हें कहा जाता है कॉम्ब प्लेट्स। कॉम्ब प्लेट्स इन्हें क्यों कहा गया? रीजन इन्हें कॉम्ब प्लेट कहने के पीछे, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। कॉम्प्लेट कहने के पीछे रीजन है कि इनके अंदर, यानी इनके पास, ये रखते हैं अपने पास एट सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नंबर में 8 हैं, सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं, जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट है। 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स इनमें प्रेजेंट है, और वो एक्सटर्नली है, मतलब बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। क्लियर है? किस काम आते हैं? तो देखो, हेल्प्स इन लोकोमोशन। इनके लोकोमोशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ गए? इनके लोकोमोशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर हैं। तो देखो, कॉम्प्लेट्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास 8 सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं। ये कॉम्प्लेट्स एक्सटर्नली प्रेजेंट होती हैं और लोकोमोशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर हैं। क्लियर हो गया? समझे? ये सी वॉलनट और कॉम्प्लेट्स हैं, यानी टीनोफोरन्स हैं, टीनोफोरा फाइलम के मेंबर्स हैं। क्लियर है? अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है इस फाइलम की, वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट तो माइनर फाइलम हो गया, सेकंड इनके मेंबर्स को सी वॉलनट कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, थर्ड कि इनके अंदर टिश्यू लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंट है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, इनके पास दो ही जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट है, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ, मैं क्या कहूंगा, डिप्लोब्लास्टिक होने के कारण इनके अंदर सिलोम नहीं होता, तो ये असिलोमेट है। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट, इनका जो बॉडी प्लान है वो है ब्लाइंड सेक या होलो टाइप का। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, या फिर मैं कहूं होलो बॉडी प्लान। समझ रहे हो ना? एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बेस पे, एलिमेंट्री कैनाल जो पॉइंट है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे बॉडी प्लान डिसाइड होता है, और इनके अंदर ब्लाइंड से क्या होलो टाइप का बॉडी प्लान है, जो सेकंड टाइप का बॉडी प्लान होता है। समझ गए? तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक माइनर फाइला है,
टीनोफोरा के मेंबर को सी वुलनेट्स कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कॉम्प्लेट कहने का रीजन हम लोगों ने क्लियर किया, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, दो ही जर्म लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। मैं थर्ड पॉइंट बनाना चाहूँ तो इनके अंदर मेसोडर्म एब्सेंट होती है, ठीक है। एसिलोमेट्स हैं, सिलोम नहीं है इनके पास, क्योंकि सिलोम बनती है मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से, मेसोडर्म ही नहीं तो सिलोम नहीं। और ब्लाइंड सैक होलो टाइप का बॉडी प्लान होता है इसका, ठीक है, बॉडी प्लान नॉट प्लांट, ठीक है, बॉडी प्लान, समझ गए। वीडियो पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे कुछ स्पेशल पॉइंट और है दो चार, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, एट सिलिएटेड कॉम्प्लेट इनकी लोकोमोशन में हेल्पिंग स्ट्रक्चर्स है, और इन पे क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी आगे, ठीक है, आगे पूछे भी जाएंगे। तो ये माइनर फाइल है। अब देखो और पॉइंट्स कि इस फाइलम की सिमेट्री कैसी होती है। तुम्हें याद हो तो एक ट्रिक बताई थी, सीईसी रेडियल केक, ठीक है, तो उनमें से एक सी इसके लिए था, टीनोफोरा के लिए। तो रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री बताती है एनसीईआरटी, तो एज पर एनसीईआरटी। As per NCERT, NCERT बताती है कि रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सही क्या है, तो NCERT जो बताती है वो पॉइंट सही नहीं है। मोर करेक्ट पॉइंट है कि एक्चुअली बाई रेडियल सिमेट्री होती है, बाई रेडियल सिमेट्री होती है, बाई रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट, ठीक है। एनसीईआरटी बताती है रेडियल है तो तुम्हें याद रखना है रेडियल है, क्वेश्चन आए तो, ठीक है। एक्चुअल में बाई रेडियल होती है, तुम्हारी नॉलेज के लिए बताया है, समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, इनके अंदर डाइजेशन, डाइजेशन इनके अंदर दोनों तरह की होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट है, क्लियर है, दोनों तरह की डाइजेशन प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूं तो मैं बताऊंगा कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप की है, तो इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती टीनोफोरन्स में, क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है तो मैं कहूंगा कि इनके अंदर डेवलपमेंट कैसी होती है, इनकी जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट टाइप की, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है, क्लियर है, समझ गए। तो देखो पॉइंट, रेडियल सिमेट्री है, एनसीईआरटी बताती है, एक्चुअल में बाई रेडियल है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों तरह की डाइजेशन प्रेजेंट है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि इसका लार्वा कौन सा होता है, टीनोफोरन्स में एक ही लार्वा प्रेजेंट होता है, इनकी लार्वल स्टेज है जो कि प्रेजेंट होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से, यही पता चलता है, और वो लार्वा है सीडीपिड, सीडीपिड लार्वा, सीडीपिड लार्वा प्रेजेंट है, ठीक है, लार्वल स्टेज है, सीडीपिड नाम का लार्वा प्रेजेंट होता है, क्लियर है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के लिए, समझ रहे हो। तो ये पॉइंट है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहां हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो फाइलम है टीनोफोरा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकती हैं, उसके स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है, समझ गए। अब देखो हम लोग इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इस फाइलम का
हिस्सा हैं या इस फाइलम के मेंबर्स काउंट किए जाते हैं। तो देखो इसके एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल्स, अगर एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं। पहला आता है टीनोप्लाना, टीनोप्लाना, ठीक है। सेकंड है प्लूरो ब्राकिया, प्लूरो ब्राकिया, ठीक है। और थर्ड है बेरोय, बेरोय, बेरोय को स्विमिंग आई ऑफ कैट भी कहा जाता है, स्विमिंग आई ऑफ कैट, जैसे बिल्ली की आंख हो और तैर रही हो, इस तरह का ऑर्गेनिज्म बताया जाता है बेरोय, ठीक है, समझ गए। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं या एग्जांपल्स हैं इस फाइलम के, यानी टीनोफोरा फाइलम के, तीनों ही याद करने लायक है, टीनोप्लाना, प्लूरोब्राकिया और बेरोय। बेरोय के लिए स्पेशल एक वर्ड यूज होता है, स्पेशल एक टर्मिनोलॉजी दी गई है। इसे अपीयरेंस में ये ऐसा दिखता है जैसे कोई बिल्ली की आंख हो और वो तैर रही हो, तो इसे कहा जाता है स्विमिंग आई ऑफ कैट, समझ गए, क्लियर है। तो एक तरह से तो हमारा जो टीनोफोरा फाइलम है वो यहाँ दी एंड होता है, मतलब सल्ट जाता है। बट अभी कुछ और कैरेक्टर्स हैं उनको हम टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा फाइलम दोनों में कंपेरिजन के साथ पढ़ेंगे, दोनों में कंपेयर करके पढ़ेंगे, समझे। तो वीडियो पॉज करना, नोट डाउन कर लेना, एग्जांपल तीन ही एग्जांपल है, टीनोफोरा, प्लूरोब्राकिया और बेरोय, स्विमिंग आई ऑफ कैट, क्लियर है। अब इन दोनों फाइलम के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको हम कंपेरिजन के साथ पढ़ेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो देखो मैं बात कर रहा हूं निडोफोरा यानी सिलेंट्रेटा, मैं कहूंगा निडोफोरा, निडोफोरा बोल दो या सिलेंट्रेटा बोल दो, एक ही बात है। निडोफोरा क्यों? निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है इसलिए। और टीनोफोरा, टीनोफोरा, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की जो एक दूसरे के अपोजिट है एक तरह से, ठीक है, और कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि निडोफोरन्स में निडोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, निडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि टीनोफोरा के पास ऐसे कोई सेल नहीं होते, तो एब्सेंट होते हैं निडोब्लास्ट सेल, ठीक है। बट इनके पास निडोब्लास्ट तो नहीं होते, एक स्पेशल सेल होता है इनके पास निडोब्लास्ट को छोड़ करके, वो कौन सा है? उस सेल का नाम है कैलोब्लास्ट, कैलोब्लास्ट या फिर लासो, लासो सेल्स प्रेजेंट है। ये सेल्स भी निडोब्लास्ट सेल्स की तरह ही प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, समझ गए। तो इसके अंदर भी प्रोटेक्शन के लिए ये सेल्स प्रेजेंट है। देखो वहां निडोब्लास्ट सेल थे, निडोब्लास्ट सेल क्या होते हैं, किस काम आते हैं, वो हम सब लोग वो सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ निडोब्लास्ट सेल तो नहीं है, बट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, तो इन्होंने एक स्पेशल मैकेनिज्म अडॉप्ट कर लिया, स्पेशल सेल अपने ही बना लिए, जिन्हें कहा जाता है कोलोब्लास्ट या फिर लासो सेल्स, समझ गए। कोलोब्लास्ट या लासो सेल्स जो प्रोटेक्शन में हेल्पफुल हैं वो होते हैं अपने टीनोफोरन्स के पास, क्लियर है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर डिस्कस करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि जो निडोफोरा है इसमें दोनों तरह की हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे, ठीक है, मैराइन एंड फ्रेश वाटर, मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों तरह की हैबिटेट मिल जाएगी, ठीक है, जबकि यहां यहां ओनली मैराइन हैबिटेट वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, ओनली मैराइन
सिर्फ मराइन हैबिटेट वाले ऑर्गेनिजम्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कहना चाहूँ तो पॉइंट आएगा कि इसके अंदर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि टिनोफोरन्स में ओनली, हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा भी है, टिनोफोरन्स में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, समझ गए, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि जो सिलेंट्रेट्स यानी नीडोफोरा है, नीडोफोरन्स है, उनके अंदर टेंटेकल्स प्रेजेंट है और ये टेंटेकल्स सॉलिड होते हैं, ठीक है, पूरे सॉलिड है, मतलब होलो नहीं है, सॉलिड है, खोखले नहीं है, ठोस है ये एक तरह से, तो टेंटेकल्स प्रेजेंट और वो सॉलिड है, समझ गए। जबकि यहां टेंटेकल्स एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट भी हो, ठीक है, इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होंगे तो वो भी नेचर में होलो होंगे, ठीक है, वो भी नेचर में होलो होंगे, समझ गए, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि और कैरेक्टरिस्टिक में क्या कह सकता हूं कि जो नीडोफोरा है उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस एब्सेंट होती है, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस नहीं होती। बायोल्यूमिनेसेंस होती क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस को हम लोग एक्चुअल में कहते हैं कि लाइट इमिटिंग कैपेबिलिटी, कि ये लाइट इमिट कर सकते हैं, ठीक है। जबकि अपने जो टिनोफोरेंस हैं उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रेजेंट होती है। ये पॉइंट ऊपर लिख लेना कॉपी के हेडर में कि बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है, कि लाइट इमिटिंग एबिलिटी कि ऑर्गेनिज्म खुद की बॉडी से लाइट इमिट कर सकता है, समझ गए, उसकी बॉडी लाइट इमिट करेगी। जुगनू देखा, जुगनू उसका पिछवाड़ा जलता रहता है, मतलब लाइट इमिट करता रहता है बैक साइड से वो, तो इस तरह का स्ट्रक्चर या इस तरह की जो कैपेबिलिटी है बायोल्यूमिनेसेंस, वो अपने टिनोफोरा के पास भी होती है, ठीक है, टिनोफोरेंस के पास भी होती है। वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो बायोल्यूमिनेसेंस एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि वो अपनी बॉडी से ही लाइट इमिट कर सकते हैं कुछ ऐसे केमिकल्स की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट दो चार पॉइंट और बचे हैं, फिर दोनों का कंपैरिजन एंड, और इसी के साथ सिलेंट्रेटा और ट्रिनोफोरा दोनों फाइलम एंड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो नीडोफोरा है उनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, कौन सी, बहुरूपीय होते हैं ये, पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, ठीक है। जबकि अपने टिनोफोरेंस के पास ऐसा कुछ नहीं होता, यानी यहां पॉलीमॉर्फिज्म एब्सेंट है, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट एक कैरेक्टरिस्टिक है अपने टिनोफोरेंस की जो नीडोफोरा में नहीं देखी जाती, क्या, कि कॉम्ब प्लेट्स एब्सेंट है, कहां, नीडोफोरा या सिलेंट्रेट्स में, जबकि प्रेजेंट कहां है, कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है टिनोफोरा में, समझ गए। तो ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक थी, लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस था, समझ रहे हो। तो देखो अब तक हम लोगों ने काफी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए जो एक दूसरे में डिफरेंशिएट है, ठीक है, इन दोनों फाइलम को एक दूसरे से अलग कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो लास्ट पॉइंट है कि पॉलीमॉर्फिज्म और कॉम्प्लेट्स, पॉलीमॉर्फिज्म कहां प्रेजेंट होती है, पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है नीडोफोरा में, जबकि एब्सेंट होती है टिनोफोरा में, और कॉम्प्लेट्स टिनोफोरा में प्रेजेंट और नीडोफोरा में एब्सेंट है, समझ गए। तो यहां ये फाइलम होता है अपना एंड,
ठीक है, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा दोनों फाइलम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट फाइलम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है अपना? नेक्स्ट जो फाइलम है अपने पास वो है प्लेटीहेलमिंथेस। याद करो वो टेबल हम लोगों ने बनाई थी, वो एक सीक्वेंस अरेंज किया था स्टार्टिंग में। कौन सा? जैसे सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेलमिंथेस की बारी आती है। इसके बाद एस्केलमिंथेस, फिर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, दी एंड, यहाँ पर खत्म होता है। तो देखो अभी हम लोगों को बात करनी है प्लेटीहेलमिंथेस की। प्लेटीहेलमिंथेस की बात हम लोग अकेले नहीं करेंगे, प्लेटीहेलमिंथेस को हम लोग एस्केलमिंथेस के साथ मिला करके कंपेयर करेंगे, क्योंकि इनके काफ़ी करेक्टर्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में और काफ़ी हैं जो एक दूसरे से सिमिलरिटी भी शो करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की कंपेरेटिव स्टडी कर लेते हैं, जैसे अभी टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा की थी, समझ रहे हो? इसी तरह की स्टडी करेंगे और दोनों फाइलम खत्म हो जाएंगे। तो देखो बात करते हैं प्लेटीहेलमिंथेस की। प्लेटीहेलमिंथेस और कंपैरिजन करेंगे एस्केहेलमिंथेस से। एस्केहेलमिंथेस से कंपेयर करेंगे। तो देखो पहला पॉइंट डिफरेंशिएशन का, दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसका पहला पॉइंट, पहला पॉइंट है। तो देखो प्लेटीहेलमिंथेस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फाइलम है जिसके ऑर्गेनिज्म फ्लैट होते हैं, ठीक है, अपीयरेंस में। तो फ्लैट वर्म, इन्हें फ्लैट वर्म्स कहा जाता है, ठीक है, समझ गए। जबकि जो अपने एस्केहेलमिंथेस है वो अपीयरेंस में राउंड होते हैं, तो राउंड वर्म कहा जाता है, राउंड वर्म्स कहा जाता है। वर्म्स होते हैं कीड़े, ठीक है, कर्मी हिंदी में बोलते हैं जिसे। तो ये फ्लैट वर्म और वो राउंड वर्म। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है कि प्लेटीहेलमिंथेस क्या होते हैं, प्लेटीहेलमिंथेस एनिमल बॉडी पे पैरासाइट होते हैं, एनिमल बॉडी पैरासाइट्स, ठीक है। जबकि एस्केहेलमिंथेस क्या होते हैं, ये एनिमल के साथ साथ एनिमल एंड प्लांट बॉडी पैरासाइट्स, या एनिमल एंड प्लांट पैरासाइट है, ये एनिमल एंड प्लांट पैरासाइट है, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट और करेक्टरिस्टिक क्या है? तो देखो अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो प्लेटीहेलमिंथेस जो हैं वो बाय नेचर, एक तरह से मैं कहूं तो इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि रेडियल सिमेट्री तीन ही जगह देखने को मिलती है, रेडियल केक, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्माटा के अडल्ट में, ठीक है, बाकी सब में चाहे प्लेटीहेलमिंथेस हो चाहे एस्केहेलमिंथेस हो, सिमेट्री बाइलेटरल ही होगी, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पॉइंट बनेगा कि जो प्लेटीहेलमिंथेस हैं वो, अगर मैं जर्म लेयर्स की बात करूं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है ये। इसी तरह जो अपने एस्केहेलमिंथेस हैं वो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही हैं, तीन जर्म लेयर इनके अंदर प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के साथ साथ एक्सेप्शनली प्लेटीहेलमिंथेस एसिलोमेट्स हैं, एसिलोमेट है, ठीक है, सिलोम प्रेजेंट नहीं होता इनके अंदर, समझ गए, क्योंकि सॉलिड मेसोडर्म होती है, पैरेन्काइमेटोस टिश्यू से भरी हुई। जबकि एस्केहेलमिंथेस की बात करें तो ये सूडोसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट क्यों? क्योंकि इनके अंदर सूडोसिलोम प्रेजेंट होता है, सूडोसिलोम यानी
इनका जो सिलोम है वो फॉल्स सिलोम है, इनके अंदर ट्रू सिलोम प्रेजेंट नहीं होता। रीजन की पेची सिलोम है, सिलोम पेचिस के रूप में, टुकड़ों के रूप में प्रेजेंट है। समझ रहे हो? तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए। अब वीडियो को पॉज करना और ये सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेना। समझ रहे हो? चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। बेसिक बेसिक से पॉइंट हैं जो हम लोग पीछे क्लासिफिकेशन में पढ़ के आए हैं, या हम लोगों ने जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ी थी उसमें हर सिस्टम के लिए अलग अलग एग्जांपल बताए थे फाइलम्स को लेकर के, तो उसके साथ डिस्कस करने वाले पॉइंट्स हैं ये। ठीक है, वहाँ भी डिस्कस किए थे और हम लोग यहाँ दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि प्लेटी एलिमेंथीज में बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक टाइप का होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ठीक है, यानी इनकी एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, क्लियर है। जबकि कंपैरिजन करूं मैं एक्स के एलिमेंट्रीज से, तो एस के एलिमेंट्रीज में बॉडी प्लान चेंज हो गया था पहली बार यहां, ट्यूब विद इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आया था, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आया था। समझ गए? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है? यहां कंप्लीट कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है। क्लियर है? समझ गए दोनों पॉइंट कि एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, जबकि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, जो फर्स्ट टाइम एसके एलिमेंट्रीज में ही अपीयर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट हम लोग डिस्कस करना चाहें तो मैं बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट कि प्लेटी एलिमेंट्रीज में ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, किस लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि अपने एस के एलिमेंट्रीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। समझ रहे हो? यानी यहां तो सिर्फ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि वहां ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन यही देखने को मिली थी प्लेटी एलिमेंट्रीज में, और फर्स्ट टाइम ही ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन यही देखने को मिली थी एसके एलिमेंट्रीज में। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा वो है रेस्पिरेशन के बेसिस पे। तो देखो, प्लेटी एलिमेंट्रीज में एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मोस्ट ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इसी तरह का रेस्पिरेशन एसके एलिमेंट्रीज में देखने को मिलता है, एनएरोबिक। समझ गए? यानी जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एक्चुअल में पैरासाइट्स हैं तो एनएरोबिक ही होंगे। समझ रहे हो? क्योंकि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो ये एनएरोबिक हो जाते हैं बाई नेचर। समझ गए? क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अपने जो प्लेटी एलिमेंट्रीज हैं वो नेचर में बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल है, यानी दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं एक ही बॉडी में। ठीक है, जबकि एसके एलिमेंट्रीज यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, एक बॉडी में एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा। क्लियर है? समझ गए? तो देखो, ये उससे आगे के कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे। बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक टाइप का है, वहां ट्यूब विद इन ट्यूब है, एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है, और एसके एलिमेंट्रीज में कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, जबकि प्लेटी एलिमेंट्रीज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, और एसके एलिमेंट्रीज में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और एनरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में प्रेजेंट है, प्लेटी एलिमेंट्रीज बाइसेक्सुअल है, और एसके एलिमेंट्रीज यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन कर लेना। क्लियर है?
अब आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट और हैं एक दो, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे इन फाइलम्स के एग्जांपल्स पे। क्लियर है? तो देखो, हम बात कर रहे हैं एस्केलमेंथीज और प्लेटीएलमेंथीज की। नेक्स्ट जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि प्लेटीएलमेंथीज के पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हुक एंड सकर कहा जाता है, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए प्लेटीएलमेंथीज में। और इनका स्पेशल पॉइंट ये है कि इनके पास जो एपिडर्मिस होती है इनकी, वो सिंसिशियल होती है, सिंसिशियल एपिडर्मिस। सिंसिशियल का मतलब समझते हो ना, कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो, जो प्लेटीएलमेंथीज हैं उनके पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होंगे एक्सक्रीशन के लिए, तो मैं कहूंगा एक्सक्रीशन इनके अंदर होता है फ्लेम सेल्स की हेल्प से, स्पेशल स्ट्रक्चर है फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं जिन्हें कहते हो, ठीक है, इनकी हेल्प से एक्सक्रीशन होता है। जबकि एस्केलमेंथीज की बात करूं तो इनके अंदर एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन स्पेशल सेल्स हैं रेनेट सेल्स, रेनेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। तो ये कुछ और पॉइंट थे। अब एक स्पेशल पॉइंट है एस्केलमेंथीज का, वो नोट डाउन करके इन पॉइंट्स को एंड करते हैं यहीं। वो पॉइंट क्या है कि जो अपने एस्केलमेंथीज हैं उनके अंदर स्पेशल सा पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा कि इन एस्केलमेंथीज ऑर्गेनिजम्स के अंदर यूटेली, यूटेली प्रेजेंट है। यूटेली क्या होता है? यूटेली है कि जो नंबर ऑफ सेल्स है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, यानी बॉडी में जितने सेल होंगे ना वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर रहेंगे। यानी अगर 100 सेल हैं बॉडी में स्टार्टिंग में, तो जब तक सलटेगा नहीं तब तक 100 सेल ही रहेंगे, सलटता है उस टाइम तक भी 100 सेल ही रहते हैं, नंबर ना तो घटते हैं ना बढ़ते। कोई डिजनरेट हो गया तो नया डेवलप हो जाएगा, उसकी जगह ले लेगा, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट नहीं होगी, जितने सेल बन गए एक बार उतने ही रहेंगे, यानी यूटिली प्रेजेंट है, समझ गए। ये पॉइंट्स थे प्लेटीएलमेंथीज और एस्केलमेंथीज के, कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स थे और कुछ सिमिलरिटी शो करने वाले पॉइंट्स थे। तो यहाँ प्लेटीएलमेंथीज और एस्केलमेंथीज फाइलम कंप्लीट होता है। बच गई बात इनके एग्जांपल्स की, ठीक है, प्लेटीएलमेंथीज के एग्जांपल और एस्केलमेंथीज के एग्जांपल, तो हम वो एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। और एक्चुअल बताऊं तो इन फाइलम के एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक्चुअल में इन फाइलम के एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो देखो, इन फाइलम के एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, पहले मैं बात कर लेता हूं प्लेटीएलमेंथीज की, ठीक है, प्लेटीएलमेंथीज के एग्जांपल्स। तो देखो, प्लेटीएलमेंथीज में सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल बात करना चाहूं तो वो ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो ऑर्गेनिज्म है, पहली बात कि ये प्लेटीएलमेंथीज का मेंबर होते हुए भी फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है, ठीक है, कोई होस्ट नहीं रखता ये अपने लिए, समझ गए। नेक्स्ट, इसको डुजेसिया भी कहा जाता है, इसको डुजेसिया भी कहा जाता है, समझ गए। और प्लेनेरिया ऐसा मेंबर है प्लेटीएलमेंथीज फाइलम का जिसके अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट है, मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट है, यानी पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा रीजनरेशन इसी ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी किसी के अंदर नहीं है, समझ गए, क्लियर है। तो ये है अपना प्लेनेरिया,
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा, एक मेंबर होता है इसका लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक जो है वो नेचर में डाइजेनेटिक होता है, डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक का मतलब एक चीज समझो तुम लोग, यहां डाइजेनेटिक का मतलब है कि दो होस्ट होंगे उसकी लाइफ के अंदर, उसके लाइफ टाइम में वो दो होस्ट पे डिपेंड रहेगा, ठीक है, दो होस्ट एक्वायर करेगा, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे दो होस्ट, तो देखो वो दो होस्ट कौन कौन से होंगे, इसके दो होस्ट होते हैं, एक तो है स्नेल और दूसरा है शिप, यानी शिप भेड़, स्नेल और भेड़, इसके दो एग्जांपल्स हैं, इसके दो होस्ट हैं, ठीक है, इसके दो होस्ट हैं स्नेल और शिप। एक स्पेशल सा पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा तुम लोगों को कि शिप में भी ये बाइल डक्ट में प्रेजेंट होता है, शिप के बाइल डक्ट में, बाइल डक्ट में प्रेजेंट होता है, शिप के बाइल डक्ट में, ठीक है। तो दो होस्ट रखता है, डाइजेनेटिक है। अब जहां भी मैं डाइजेनेटिक मोनोजेनेटिक की बात करूं तो समझ लेना मैं बात कर रहा हूं होस्ट के बेसिस पे कि ऑर्गेनिज्म के होस्ट कितने हैं, ठीक है। लिवर फ्लूक का एक्चुअली साइंटिफिक नेम अगर मैं बताना चाहूं तो वो है, इसे कहा जाता है फेशियोला, फेशियोला हेपाटिका, फेशियोला हेपाटिका, ठीक है, फेशियोला हेपाटिका इसका साइंटिफिक नेम है, फेशियोला हेपाटिका इसका साइंटिफिक नेम है। जैसे प्लेनेरिया को डुजेशिया कहा जाता है, इसी तरह लीवर फ्लूक को फेशियोला हेपाटिका, फेशियोला हेपाटिका को लीवर फ्लूक कहा जाता है, समझ गए। नेक्स्ट अगर मैं एग्जांपल डिस्कस करना चाहूँ तो मैं डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल आता है, एक मेंबर है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, सॉरी टीनिया की स्पेलिंग टीनिया सोलियम, ठीक है। टीनिया सोलियम जो मेंबर है उसको हम लोग नॉर्मली एक नाम देते हैं, इसे कहा जाता है टेप वॉर्म, ठीक है, टेप वॉर्म नाम दिया जाता है इसको, क्लियर है, समझ गए। ये जो वर्म है ये एक्चुअल में अगर मैं बताना चाहूं तो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल का वर्म है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल मैं कहूंगा प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, टेप वर्म कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है। ये भी नेचर में डाइजेनेटिक होता है, डाई जेनेटिक होता है, दो होस्ट हैं इसके, ठीक है, और ये एक डिजीज कोज करता है जिसका नाम है टीनियसिस डिजीज, टीनियसिस डिजीज, टीनियसिस डिजीज कोज करता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, जैसे ये तो था फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड प्लेटी एलिमेंथिस का एग्जांपल, और ये फोर्थ मेंबर आएगा, फोर्थ मेंबर है, फोर्थ मेंबर का नाम है पैरागोनिमस, पैरागोनिमस, पैरागोनिमस जो मेंबर है प्लेटी एलिमेंथिस फाइलम का, इसको कहा जाता है, ये एक तरह से लंग फ्लूक कहलाता है, लंग फ्लूक, ठीक है, लंग फ्लूक कहते हैं इसे, पैरागोनिमस। जैसे ये लीवर फ्लूक है इसी तरह ये लंग फ्लूक है, क्लियर, नोट डाउन करो। चार इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, प्लेनेरिया, फेशियोला हेपाटिका, टीनिया सोलियम और पैरागोनिमस, क्लियर है। वीडियो पॉज करो और एग्जांपल्स नोट डाउन कर लेना। यहां एक तरह से अपना प्लेटी एलिमेंथिस फाइलम दी एंड होता है, ठीक है।
प्लेटिहेलमिंथेस फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक और उसके एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है एग्जांपल्स एस्केलमिंथेस की। एस्केलमिंथेस फाइलम के एग्जांपल्स बात करेंगे हम लोग। तो देखो एस्केलमिंथेस जो फाइलम है उस फाइलम में एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मिलेंगे पहले एस्केलमिंथेस। एस्केलमिंथेस के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्जांपल्स। तो देखो फर्स्ट इसका फर्स्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा कि वो है वुचरेरिया। वुचरेरिया ठीक है, वुचरेरिया इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इसे फिलेरियल वर्म भी कहा जाता है। ठीक है, फिलेरियल वॉर्म समझ गए, फिलेरियल वॉर्म कहा जाता है। और वुचरेरिया जो है वो भी बाय नेचर डाइजेनेटिक होता है और ये कॉज करता है एक डिजीज, मेनली ये लिम्फ डिजीज कॉज करता है, लिम्फेटिक वेसल्स की डिजीज है जिसे हम लोग कहते हैं एलिफेंटियसिस या फिर इसे फिलेरियसिस भी कहा जाता है। फिलेरियसिस हाथी पांव जिसे कहते हैं, सुना होगा हाथी पांव नाम का डिसऑर्डर, तो हाथी पांव वही डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि ये वॉर्म अपने एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू या फिर फूड के साथ इसके जो लार्वल स्टेज है या इसका जो मिनिएचर फॉर्म है वो अंदर चले जाते हैं और जाकर के हमारी मेनली लेग्स की लिम्फेटिक वेसल्स में जाकर के अटक जाता है, वहां रुक जाता है और वहीं पे डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। ये ऐसी रिएक्शंस कॉज करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन के कारण सूज जाता है हमारा पैर हाथी पांव। देखा हुआ किसी एक का, किसी इंसान का एक का, तुम्हारी बुक ने डायग्राम भी दे रखा है जिसका एक पैर बहुत भारी हो रखा है, अकेला पैर पे इफेक्ट नहीं आता, इसका जेनेटल ऑर्गन्स भी बड़े हो जाते हैं ऐसे सूज करके, इतने बड़े हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए, तो हाथी जैसा पांव हो जाएगा उसको कहते हैं हाथी पांव या एलिफेंटियसिस जो वुचरेरिया के कारण होता है। ठीक है, समझ गए, वुचरेरिया जो है वो नेचर में अगर मैं कहूं स्पेशल पॉइंट तो ये विविपेरस होता है, विविपेरस होता है। ठीक है, विविपेरिटी शो होती है, यानी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर बर्थ देता है ये। ठीक है, एग नहीं बनता, बर्थ होती है ऑर्गेनिज्म की, जैसे हम लोग विविपेरस है इसी तरह से ये भी वुचरेरिया भी विविपेरस है, फिलेरियल वॉर्म भी विविपेरस है। अगर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूं, नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये वीडियो को यहीं पॉज करो और इस एग्जांपल को नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। याद रखना एलिफेंटियसिस फिलेरियसिस इस वॉर्म के कारण होती है। ठीक है, समझ गए, नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं तो वो होगा एस्केरिस। एस्केरिस ठीक है, एस्केरिस देखो पहली बात हम लोगों ने कहा था यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, इसके मेल फीमेल में ही डिफरेंसेस है, इसके मेल और फीमेल में ही डिफरेंसेस हैं। देखो किस तरह के डिफरेंसेस है, अगर मैं डायग्राम से शो करना चाहूं तो इस तरह की अपीयरेंस आती है इसके मेल और फीमेल की, डायग्राम भी तुम लोगों को मिलेंगे और डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये जो है ये तो है इसका मेल, ठीक है, और ये है फीमेल, एक्चुअल में टेडी फीमेल होती है बट यहाँ थोड़ा सा मेल को टेडा शो किया गया है,
समझ गए। तो जो नीचे से हुक जैसा स्ट्रक्चर जिसका बना हुआ होता है ना, ये तो होता है मेल। अपीयरेंस याद रखना, हमेशा डायग्राम देकर ये क्वेश्चन पूछे हैं आज तक बुक ने इसमें से। तो देखो ये तो है मेल और ये है फीमेल, ठीक है, समझ गए, समझ रहे हो। और देखो एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, इसके मेल फीमेल में डिफरेंस क्या होता है, इसके मेल और फीमेल में डिफरेंस ये होता है कि फीमेल मेल से बड़ी होती है थोड़ी सी, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मोनोजाइगोटिक है, मोनोजेनेटिक है यानी एक ही होस्ट होता है, मोनोजेनेटिक है, क्लियर है, समझ गए। ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, यानी हमारी एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये कोज करता है एक डिसऑर्डर, कोज, उस डिसऑर्डर का नाम है एस्केरियसिस, ठीक है। तो एस्केरिस है, यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, फीमेल बड़ी होती है मेल से, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। मोनोजेनेटिक है, प्रेजेंट होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में और कोज करता है एस्केरियसिस। वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो। सेकंड एग्जांपल है एस्केलमिंथिस का, इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं क्वेश्चन इस पे कई बार, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो ये दो एग्जांपल हैं जिनके बारे में ज्यादा डिटेल दे रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैंने इसका डायग्राम बनाया तो समझो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है एनसाइक्लोस्टोमा को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, इसे कहा जाता है हुकवॉर्म, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आरबीसी को डिजनरेट कर देता है, आरबीसी को डिजनरेट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, डैमेज करने का काम करेगा, जिसकी वजह से अनीमिया हो जाएगा, क्लियर है। ये एनसाइक्लोस्टोमा है। फिर फोर्थ की बात कर लेते हैं, फोर्थ है एंटेरोबियस को कहा जाता है पिनवॉर्म, एंटेरोबियस को पिनवॉर्म कहा जाता है, ठीक है। और ये जो कोज करता है ना, उस डिसऑर्डर का नाम है एंटेरोबियसिस। इसको ये बहुत कॉमन है, ठीक है, समझ गए। और इसमें एक हाथ बिजी रहता है हमेशा, अबे तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं है, हाथ बिजी रहने का मतलब है कि छोटे बच्चों को देखा होगा कई बार एक हाथ पेंट के अंदर ही रहता है, मतलब तुम लोग चलो नाम से समझ जाओ, क्या समझाऊं। एंटेरोबियस का मतलब होता है चूर्णिया, ठीक है, जिसको नॉर्मली तुम लोग चूर्णिया के नाम से जानते हो, वो एंटेरोबियसिस होती है, एंटेरोबियस पिनवॉर्म कोज करता है, समझ गए, क्लियर है। चलो ये है फोर्थ एग्जांपल। अब फिफ्थ एग्जांपल इतना बड़ा तो नहीं है, यही नोट डाउन कर लेते हैं कहीं कोने में। तो जो फिफ्थ एग्जांपल है ना, वो है ड्रैकनकुलस एक डिजीज कोज करता था, अब तो अपीयर हो चुकी है, राजस्थान में ये काफी फैली थी जिस टाइम ये डिजीज का आउटब्रेक हुआ था, तो राजस्थान बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुआ था इसकी वजह से। और अभी कुछ टाइम पहले ही, यानी कुछ अगर मैं कहूँ दशक पहले ही इसका अंत हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो देखो ड्रैकनकुलस जो बीमारी करता था वो था नारू डिजीज, जिसको नॉर्मली अपने देसी लैंग्वेज में नार्वे भी कहा जाता है ना, नार्वे, नारू डिजीज, वो ड्रैकनकुलस के कारण होती थी,
समझ रहे हो। तो ये देखो, ये एस्केलमेंथिस के एग्जांपल है। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुक वर्म आरबीसीडीएमएस करता है, एनीमिया हो जाता, एनीमिया हो जाता है। एंटेरोबियस पिन वर्म है, एंटेरोबियसिस कोज करता है, जैसे चूर्णिया के नाम से जानते हो तुम लोग। और ड्रैकनकुलस नारू डिजीज कोज करता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हुए एस्केलमेंथिस के। मैं साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज करो और नोट डाउन कर लेना, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। यहाँ एग्जाम्पल्स भी एंड हो गए, यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी खत्म हो गए हैं, ठीक है, एस्केलमेंथिस और प्लेटीएलमेंथिस के। तो एक तरह से तो फाइलम हो गया एंड, दोनों के दोनों फाइलम हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, बट कुछ स्पेशल पॉइंट बचे हैं दोनों ही फाइलम के, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखो एक स्पेशल पॉइंट क्या था कि एक टर्म यूज होती है हेल्मिंथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ वॉर्म्स, यानी स्टडी ऑफ प्लेटी एंड एसके हेल्मिंथ्स, एसके हेल्मिंथ। प्लेटी एलमेंथिस और एसके एलमेंथिस की स्टडी हेलमिंथोलॉजी कहलाती है, ठीक है। एक फिर स्पेशल पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि जो फेशियोला है फेशियोला हेपाटिका है, उसके लार्वल स्टेज कितने होते हैं। तो इसके अंदर 5 लार्वल स्टेज होते हैं, 5 लार्वल स्टेज आते हैं, ठीक है। और ये 5 लार्वल स्टेज कई बार पूछे भी गए हैं कौन कौन से हैं, तो उसको याद रखने की ट्रिक देखो, उसको याद रखने की ट्रिक है मिस आरसीएम, ठीक है। मिस आरसीएम का मतलब क्या है, सोख ले लेता हूं। देखो मिस आरसीएम का मतलब है इसके लार्वल स्टेज इसकी शॉर्ट फॉर्म है। मिस से मतलब है मैं पहले बात करूंगा, मिस का मतलब होता है मेरिसीडियम, ठीक है। फिर सेकंड जो स्टेज है वो है स्पोरोसाइट, ठीक है। मिस, मेरिसीडियम, स्पोरोसाइट। फिर थर्ड लार्वल स्टेज है रेडिया। फिर फोर्थ है सरसेरिया, ठीक है। और फिर लास्ट फिफ्थ है मेटासरसेरिया, ठीक है, समझ गए। तो देखो मेरिसीडियम, स्पोरोसाइट, रेडिया, सरसेरिया, मेटासरसेरिया काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये लार्वल स्टेजेस पूछे गए हैं, समझ गए, बहुत बार ये लार्वल स्टेजेस पूछे गए हैं। और लार्वल स्टेजेस में भी कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा लार्वल स्टेज, इसके दो होस्ट है ना, सीप और स्नेल, उनमें से कौन सा लार्वल स्टेज कौन से होस्ट को इफेक्ट करता है। तो ये देखो जो मेरिसीडियम है, फर्स्ट लार्वल स्टेज है, ये इन्फेक्ट करता है सेकंड होस्ट को इन्फेक्ट करता है। तो फर्स्ट होस्ट को कौन करेगा, फर्स्ट होस्ट को इन्फेक्ट करेगा मेटासरसेरिया, इन्फेक्ट फर्स्ट होस्ट, ठीक है। पहले होस्ट को इन्फेक्ट करेगा मेटासरसेरिया और सेकंड को इन्फेक्ट करेगा मेरिसीडियम, समझ गए। ये लार्वल स्टेजेस है, कई बार पूछे गए हैं फेशियोला के लार्वल स्टेजेस, फेशियोला हेपाटिका के लार्वल स्टेजेस, ठीक है, समझ गए। फर्स्ट और सेकंड से मतलब है कि ये तो सेकेंडरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा और ये प्राइमरी होस्ट को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, समझ गए। दो होस्ट है ना, एक सेकेंडरी होगा एक प्राइमरी होगा, क्लियर है। तो ये दो स्पेशल पॉइंट्स थे। अब कुछ और पॉइंट है कि जैसे ये एक्चुअल में पैरासाइट्स होते हैं सारे के सारे, ठीक है, ये
पैरासाइट्स होते हैं, तो पैरासाइट होने के लिए क्या क्या खासियत होनी चाहिए आपके अंदर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या स्पेशल फीचर्स होने चाहिए पैरासाइट होने के लिए? तो देखो वो पैरासाइट्स के स्पेशल फीचर हम लोग देखेंगे, पैरासाइटिक फीचर्स, पैरासाइटिक फीचर्स, पैरासाइटिक फीचर्स यानी पैरासाइटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होगी? तो देखो अगर मैं बात करूं पैरासाइट होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, तो सबसे पहले तो चाहिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन होनी चाहिए, ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होनी चाहिए। सेकंड, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए, वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं और क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, तो देखो इनके अंदर हुक्स और सकर जैसे, हुक एंड सकर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए, जिससे ये उस होस्ट ऑर्गेनिज्म पे अटैचमेंट कंफर्म कर सके, ठीक है, हुक और सकर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट की इनकी बॉडी जो है कवर्ड विद थिक क्यूटिकल, बॉडी कवर्ड विद थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल से कवर होनी चाहिए इनकी बॉडी, ताकि एंजाइम का कोई इफेक्ट ना जा सके, क्योंकि कुछ पैरासाइट्स ना ऐसे भी हैं जो बॉडी के अंदर जाते हैं या बॉडी के अंदर रहते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, ऐसे पैरासाइट्स भी हैं। तो देखो जो जैसे एलिमेंट्री कैनाल की बात की थी हमने, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एस्केरिस प्रेजेंट है इस तरह से, तो ये क्या होता है कि इनके पास थिक क्यूटिकल होनी चाहिए, ताकि बॉडी के या जो हमारी इनसाइड जो एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये मेनली फूड के लिए रहते हैं ना वहाँ, और हमारे फूड को डाइजेशन में काफ़ी सारे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, एंजाइम इन पे एक्ट ना करे, इसलिए एंजाइम एसिड कंडीशंस या बेसिक कंडीशंस इन पे इफेक्ट ना डाले, इसके लिए बॉडी को कवर्ड रहना पड़ता है एक थिक क्यूटिकल से, समझ गए, एक थिक क्यूटिकल से कवर्ड रहना पड़ता है, मैं कहूंगा प्रोटेक्शन फ्रॉम एंजाइम्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एंजाइम्स इस तरह कवर्ड रहना चाहिए। तो ये कुछ पैरासाइटिक अडेप्टेशंस हैं जो पैरासाइट्स में होनी चाहिए, तब जाकर के वो पैरासाइट कहलाते हैं, समझ गए, ये क्लियर हुए, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो पैरासाइटिक अडेप्टेशंस, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एक स्पेशल पॉइंट और बच गया कि जो अपने एसके हेलमेंथीज होते हैं ना, एसके हेलमेंथीज, उनके पास स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो सेंसरी स्ट्रक्चर्स कई बार पूछे गए हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एसके हेलमेंथीज एसके हेलमेंथीज के सेंसरी स्ट्रक्चर, और इसी के साथ ये लास्ट पॉइंट है, ये फाइलम दोनों यहां एंड हो जाएंगे, ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं एम्फिड एंड फेजमिड, ये लास्ट पॉइंट था, ये कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एसके हेलमेंथीज के पास प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ एसके एलिमेंथीज प्लेटी एलिमेंथीज तक सारे जो फाइलम है, देखिए जैसे प्रोटोजोआ पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटी एलिमेंथीज एसके एलिमेंथीज तक टोटल कंप्लीट होता है पॉइंट, ठीक है। अपना नेक्स्ट लेक्चर से एनिलिड स्टार्ट करेंगे, यानी फाइलम एनिलिडा स्टार्ट करेंगे, इस लेक्चर में बस इतना ही, क्लियर है, ओके, गुड बाय।